डिस्ट्रैक्शन करने वाले बहुत लोग हैं, डिस्ट्रैक्शन करने वाले। और डिस्ट्रैक्शन जब होता है और हमारा फोकस मालूम है हमको है, मगर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसा मैं पुणे में मॉल में गया था, पुणे में मॉल में गया, मुझे खरीदना था ब्लू रंग का डिजाइन वाला शर्ट, और वो भी रेमंड का, तो मेरा पक्का था। अब मैं गया वहाँ मॉल में, तो जैसा तुम मॉल में जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ एकदम परफ्यूम्स वाले ऐसे पूरा स्टॉल रहता था, तो सब परफ्यूम वाले एकदम लड़के लड़कियाँ एकदम आ गए और बोले आइए 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 वेलकम वेलकम। बोले बोले क्या हो गया, बोले ये फुसफुस। बोले क्या है, बोले कोबरा है कोबरा। तो बोले अच्छा कोबरा है क्या, अच्छा बहुत अच्छा परफ्यूम दिख रहा है। बोले कितने का, बोले 1500 रुपये का। बोले ठहर, फिर और ठहर ठहर, बोले और दूसरा देखो, पूरा फिर फुसफुस कर दिए। बोले ये क्या, ये गोल्डन क्या, गोल्डन कोबरा है। बोले ये मतलब गोल्डन, अच्छा बोला है तो अच्छा। मैंने बोला, बोला फिर छोड़ने को तैयार नहीं हो। फिर मैं बोला ठीक है अभी इतना ही है तो, बोले 3 के ऊपर 2 फ्री है। बोले मतलब अच्छा 3 के ऊपर 2 फ्री ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो मैंने चलो डाल दे 3 के ऊपर 2 फ्री। 5 महीने परफ्यूम उठा के रखे, मेरे को करना था शर्ट लेना था, अटक गया मैं वहाँ। फिर आगे गया, आगे गया तो ऐसा वो जो स्टेयरकेस थी, तो स्टेयरकेस में ऐसा पूरा वहाँ लगे हुए थे सॉक्स अलग 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 अलग। और बोले 5 के ऊपर 7 फ्री। मैंने सारा ये अच्छा कार्यक्रम है, 5 के ऊपर 7 फ्री। तो मैंने चलो ले लो, इतना सस्ते में माल मिल रहा है, सेल में निकाल रहे हैं, तो चलो 5 के ऊपर 12 पेयर मैंने सॉक्स लिए, वो भी डाल दिया। चलो ये हो गया। फिर आगे गए, आगे जाने के बाद में वहाँ था बनियंस, और वहाँ ऐसा बड़ा सेल लगा हुआ था बनियन का। बोले 3 के ऊपर 4 फ्री। मैंने सला ये भी अच्छा कार्यक्रम है, तो जो पीछे लग गया वो तो वो भी ले लिया। अभी मैं गया, अभी मैंने शर्ट लिया ही नहीं, अभी मेरे पास में क्या हो गया, मेरे पास में 5 परफ्यूम 12 मेरे पास में सॉक्स के पेयर्स, 7 मेरे पास में बनियन के पेयर्स, और ऐसा सब लेके मैं थैला लेके जा रहा हूँ ऊपर। मेरे को लेना क्या है, शर्ट। तब तक हो गए 9, मतलब 9:30 की अपनी बस है। अभी शर्ट के चक्कर में जाएंगे तो अभी पेमेंट करना है मेरे को काउंटर के ऊपर इसका, और मेरी बस निकल जाएंगी। मतलब जल्दी 5 मिनट के अंदर बस मेरे को पकड़ना है। मैंने वो वैसे जैसा था वैसा उठाया, काउंटर पे पेमेंट, गाड़ी पकड़ लिया, अकोला में आया। अकोला में जब आया तो मेरे पास में क्या था, 7 बनियंस 12 सॉक्स और 5 परफ्यूम, शर्ट नहीं था। क्रक्स क्या, देखो डिस्ट्रैक्शन, तो तुमको डिस्ट्रैक्ट करने वाले, तुम्हारे फोकस से दूर करने वाले लोग होलसेल में घूम रहे तुम्हारे आजू बाजू में, और वो तुमको इधर उधर भटकाएंगे। और जब तुमको लोग इधर उधर भटका रहे, तो तुमने पक्का करने को ना कि मेरे को करना क्या है एक्चुअली। यदि आपको मालूम है मेरे को करना, मेरे को क्या करना है, और वो पूरा पक्का बिल्कुल फोकस रख के आप काम करेंगे, तो काम होगा ना, फालतू टाइम पास हो गया। मेरे को जो लेना नहीं था वो लेके मैं आ गया। फिर नेक्स्ट टाइम में जब मैं आया, मेला मेरे को फुसफुस फसफस मत करो, मेरे को ये बताओ कि रेमंड काश कहाँ है तुम्हारे इधर शोरूम। बोले 3rd फ्लोर पे। मेला इधर उधर कुछ मैं सुनूंगा नहीं, 3rd फ्लोर लिफ्ट कहाँ है। बोले ये लिफ्ट, मैंने उधर जाओ। बोले रेमंड, बोले वो रेमंड वो कोने में, चलो जाओ 39 नंबर ब्लू रंग डिजाइन वाला शर्ट निकालो जल्दी। निकाल लिया, पैक कर लिया, कितना हो गया 1300 डालने वाला, चलो उठा चलो। पेमेंट किया 10 मिनट के अंदर बाहर, है ना, काम जल्दी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना फोकस यदि क्लियर है, मालूम है कि करना क्या है, तो काम जल्दी हो जाएगा और भलता है अपना टाइम पास नहीं होगा, है ना। तो ये हमको देखना है कि हमारा फोकस है क्या, इधर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे, टाइम बच जाएगा और काम भी होगा नहीं यार। तो ये हमको देखना है कि हमारी डेडलाइंस जो है वो बराबर है कि नहीं, हमारा फोकस है क्या, गोल्स है क्या, डेडलाइंस बराबर है क्या, और हम फोकस करके वो काम कर रहे हैं क्या, बराबर है कि नहीं। फोकस जब रहता है तो काम हो जाता है ना। द्रोणाचार्य की और अर्जुन की कथा आपको पता ही है ना। जब पांडवों को द्रोणाचार्य, उनके जो गुरु थे, उन्होंने तीर कमान के लिए उन्होंने एक्सपर्टाइज दिया, उनको सिखाया है ना तीर कमान चलाने के लिए। तो बोले चलो अभी आपके फाइनल एग्जाम लेते, आपको इतना सिखाया मैंने, तो बोले ठीक है ले लो। तो फिर पहले नकुल को बोला चल तीर कमान ले ले, चल चला। तो बोले वहाँ उन्होंने क्या किया, पेड़ के ऊपर एक लकड़ी का पंछी रखा था। बोले ये जो पंछी है पेड़ के ऊपर, तो उसका दाहिनी आँख आपको मारने की, और उसके ऊपर तीर चलाने का है। तो उसने हाथ में लिया है ना कमान लिया, हाथ में तीर लिया। बोले तेरे को क्या क्या दिख रहा है। बोले मुझे दिख रहा है कि हरे हरे झाड़ है, पत्ते है, ये है, फल है, फूल है, लोग है, ऐसा वैसा। बोले चल बाजू हो जाए, तेरा फोकस ही नहीं है। उसको बाजू कर दिया। सहदेव को लिया, चलो उसको बाजू कर दिया। भीम को पूछा, बोले मेरे को तो आम दिख रहे, मेरे को तो भूख लग गई, तो उसको बोले चल बाजू हो जाए। और उसको सिर्फ अर्जुन को जब बोला तेरे को बोल क्या दिख रहा है, बोले मेरे को सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि वो पंछी
उसकी दयनीय आंख और वो मेरे को उड़ाने का है, बस बोले चला तीर, और उसने तीर चला दिया और उसने उसको उड़ा दिया। जब इतना फोकस रहता तो काम होता है और टाइम पास भी नहीं होता और हमारा टाइम बच जाता है, ठीक है ना।